राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा और अभीरा की जिंदगी में आज कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो सिर्फ एपिसोड को खींचने का काम किया जा रहा है। अनुपमा में अनुपमा श्रुति और छोटी की सेवा में लगी है और उन्हीं के साथ रह रही है, लेकिन श्रुति को लग रहा है कि कहीं वो उसकी जगह ना ले ले। और बाकी छोटी तो है ही अनुपमा को बार बार जलील करने के लिए। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता में अभीरा को भी बार बार जलील किया जा रहा है। पहले अरमान अभीरा को सुनाता है और फिर फूफा सा से भी अभीरा की तूतू में होने वाली है, लेकिन इससे अरमान और अभीरा का रिश्ता ठीक नहीं होने वाला। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आप वहां पर क्या खास देखेंगे। अनुपमा में अनुपमा ने अनुज का घर ऐसे संभाल लिया है जैसे खुद का घर हो। सुबह पूजा पाठ करना, भजन करना, नाश्ता बनाना और फिर अनुज का उसके आसपास मंडराना। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी ने वनराज के गंदे इरादों को भाप लिया है कि भाई वो अंश का सहारा लेकर टीटू के खिलाफ जहर भर रहा है। अब वनराज वैसे भी डिम्पी की शादी टीटू से होने नहीं देना चाहता, इसलिए अंश को भड़का रहा है। लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा नए दिन के साथ भगवान के भजन और पूजा के लिए पूजा से नए दिन की शुरुआत करती है और सबको जगाती है। अब अनुज को आज घर घर जैसा लगता है और वो ये बात श्रुति से भी कहता है कि भाई बहुत दिनों बाद आज सुकून महसूस हो रहा है। जिसके बाद श्रुति, अनुज और छोटी भी पूजा में शामिल होते हैं। तो अनुपमा कहती है कि आपका घर है तो पूजा भी आप ही कर लीजिए, लेकिन श्रुति कहती है कि उसने तो कभी पूजा ही नहीं की। जिसके बाद अनुपमा श्रुति को पूजा का महत्व बताती है और उस पर चार पन्नों का ज्ञान भी देती है। हालांकि छोटी को लगता है कि अनुपमा सिर्फ दिखावा करती है। वो कहती है कि पूजा तो भाई मन से की जाती है, ये नौटंकी करके नहीं, लेकिन अनुज उसे वहीं पर डांट देता है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी वनराज से सवाल करती है कि भाई वो अंश के मन में टीटू के लिए गलत बातें क्यों डाल रहा है, लेकिन वनराज तो साफ साफ मुकर जाता है और वो कहता है कि उसने कहीं और से ये बातें सीखी होंगी। अगर मुझे कुछ ऐसा करना ही होता तो मैं शादी के लिए राजी क्यों होता, अब मैं अपने पोते से प्यार करता हूँ। अब डिम्पी भी कन्फ्यूज है कि वनराज आखिर करना क्या चाहता है, जबकि दूसरी तरफ अनुज अनुपमा के आसपास मंडरा रहा है। अब वो किचन में भी मदद के बहाने अनुपमा के साथ ही समय बिता रहा है, लेकिन दोनों को साथ देकर छोटी का दिमाग सटक गया है और वो अनुज को जबरदस्ती वहां से ले जाती है। अब छोटी को लगने लगा है कि अनुपमा मौके का फायदा उठा रही है और अनुज को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि अनुपमा नहीं बल्कि अनुज ही अनुपमा से चिपक रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में माधव को छोड़कर पूरा पोदार परिवार अभीरा को जलील कर रहा है। अरमान ने तो फिर भी कम किया है, लेकिन फूफा सा ने तो आज कोई कसर ही नहीं छोड़ी अभीरा की बेइज्जती करने में। वहीं दूसरी तरफ रूही घर में अभीरा के जाने के बाद सबकी पसंदीदा बहू बनने की कोशिश कर रही है और विद्या का भी दिमाग अभीरा के खिलाफ भर रही है। लेकिन आज होता ये है कि अभीरा अपने कॉलेज के असाइनमेंट की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी दोस्त है ना, वो पैसों के लिए ही उसका असाइनमेंट भेज देती है। बताओ, पहले उसी दोस्त ने अभीरा को घर में जगह दी और फिर बेचारे की मेहनत को पैसों में बेच खाया। अब अभीरा जैसे तैसे जल्दी में अपना काम पूरा करती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान माधव को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माधव साफ कर देता है कि अभीरा की गलती नहीं है, क्योंकि शादी तो आके असलियत में ही हुई है। अब माधव अरमान को समझाता है कि दादी सा और परिवार की खुशियों के अलावा कभी अपने बारे में भी सोच, लेकिन अरमान को सिर्फ उसकी फिक्र है, प्यार नहीं है। वहीं अभीरा ने अपने कॉलेज का काम निपटा लिया है, लेकिन उसका असाइनमेंट चेक करने के लिए फूफा सा को भेजा गया है। अब फूफा सा पेपर के सवाल ना पूछकर अभीरा से घर के सवाल पूछते हैं कि उसने चारू को क्यों भड़काया और देव के साथ चक्कर चलाने कैसे दिया। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच गंदी बहस हो जाती है, लेकिन फूफा सा अभीरा को धमकी देते हैं कि अगर पेपर में पास होना है तो उसके कदमों में गिरकर नाक रगड़ कर माफी मांगे। अब अभीरा कदमों में झुकती तो है, लेकिन फिर फूफा सा के पैर पकड़कर उनको गिरा देती है। अब अरमान दोनों के बीच की गंदी बहस को देख लेता है, लेकिन बिना अभीरा की बात सुने ही उसे सुना देता है। अब फूफा सा भी घर में जाकर अभीरा की बातों पर मिर्च मसाला लगाकर बताते हैं, जिससे विद्या और ज्यादा अब अभीरा से नफरत करने लगी है। वहीं रूही इस वक्त विद्या का सहारा बनी हुई है और अभीरा को गलत साबित करके अरमान की दूसरी शादी की बात कर रही है। हालांकि उसने दुल्हन के तौर पर अभी तक अपना नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह के घर में हालात है ना, तो रूही इस बात से भी नहीं कतराएगी कि अरमान की शादी उसी से कर दी जाए। तो दोस्तों, ये तो थी आज के दोनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।